नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी का ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं। जैसे हम लोग को सबको पता है, मार्केट में हर रोज काफ़ी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, एंड एंट्री लेने का पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ट्रेंडी मार्केट में तो कोई भी इंडिकेटर प्रॉफिट दे देता है। अगर आप नॉर्मल एक MACD भी को भी फॉलो कर रहे हैं तो ट्रेंडी मार्केट में वो भी प्रॉफिट बना देता है। तो आज को मैं लॉस का बारे में बताऊंगा। ऑब्वियसली आज को मैं लॉस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आज को अगर आप हम लोग का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो कितना कम लॉस खाएंगे। देखिए, सब कोई प्रॉफिट के बारे में सोचते रहता है, लॉस के बारे में कोई नहीं सोचता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लॉस को रोकना सीख गए, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। लॉस नहीं होगा ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। अब हम लोग देखेंगे हम लोग लॉस को कैसे रिड्यूस कर पाएंगे। देखिए, हर एक इंट्राडे ट्रेडर महीना में प्रॉफिट तो अच्छा खासा कमाता है, बट वो लॉस में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो अगर आप अपना लॉस के ऊपर फोकस करेंगे, लॉस को रोकने का ऊपर फोकस करेंगे, देखिएगा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आज को एकदम साइडवेज मार्केट है, और आज को मैं पूरा चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा जो लाइव मार्केट में आप कैसे काम करेंगे। मार्केट खत्म होने के बाद कोई भी बोल सकता है आज को मार्केट खराब था, साइडवेज था, बट लाइव मार्केट में आपको पता कैसे चलेगा जो ये साइडवेज है या ट्रेंडी है। तो चलिए देखते हैं, आज को मैं बैंक निफ्टी 29 तारीख का चार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप आज को काम किए हैं बैंक निफ्टी में तो देखिए आप कितना लॉस किए हैं और हम लोग का सॉफ्टवेयर कितना लॉस दे रहा है। तो यहां से शुरुआत करेंगे। ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। देखिए, ये जो कैंडल है थोड़ा सा ब्लू टाइप का है। ब्लू कैंडल का मतलब ये है, यहाँ एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है और आपको कोई कॉल मिलने वाला है। जैसे ब्लू कैंडल खत्म होगा, नेक्स्ट कैंडल पे आपको कॉल मिल जाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर का एरो, ये आपका सिग्नल है, जब भी कॉल बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लू ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें उसका डिटेल्स भी लिख के आ जाएगा, जो कौन सा वैल्यू में कॉल दिया है, उसका टारगेट स्टॉप लॉस, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं डायरेक्टली पॉइंट में आ जाता हूँ, जो मुझे पता कैसे चलेगा ये कॉल सही है गलत है। सबसे पहले तीन कंडीशन देखना है हम लोग का जो सॉफ्टवेयर में, तीन कंडीशन है। एक है स्टार, एक है नीचे का रिबन का कलर ग्रीन होना है, और ये जो ब्रिक्स है उसका कलर ग्रीन होगा और ब्राउन का ऊपर जाएगा। तो ये तीनों का तीनों कंडीशन मैच था, इसका मतलब है कॉल बहुत अच्छा है। बट ट्रेड करेंगे कब? ट्रेड करने का नियम होता है, सिग्नल का पहले जो ब्लू कैंडल आपको दिख रहा है उस कैंडल का हाई तोड़ेगा, या ऐसा बोल सकते हैं कोई कैंडल का क्लोजिंग इस ब्लू कैंडल का हाई का ऊपर जाएगा, तब जाके आप ऑर्डर लगाएंगे। तो फाइनली हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। देखिए, आगे क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कब कोई कैंडल का क्लोजिंग ब्लू कैंडल का हाई का ऊपर जाए, तब जाके हम लोग बाय लेंगे, अदर इज नॉट। तो देखते देखते मार्केट नीचे आ गया, नीचे करीब वो रेड होने लगा, ब्रिक्स रेड हो गया और ब्राउन का नीचे आ गया। हर एक इंडिकेटर आपको कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो ये इस चीज़ को आपको समझना है। मतलब आप बाय किए नहीं, आपको समझ में आ रहा है जो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखिए, थोड़ा सा नीचे आने लगा और यहाँ पर सेलिंग का कॉल दे दिया। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड कॉल मिला, तो फर्स्ट मैं बाय का कॉल को एवॉइड कर पाया। मेरा सॉफ्टवेयर में सिंपली वे में आपको बता दिया जी ये बाय का कॉल सही नहीं है एज पर आवर रूल। तो अगर आप इस कॉल में भी ट्रेड करके लॉस खाए हैं तो दिस इज योर नेगेटिव पॉइंट। फाइनली देखिए बाय सेल का कॉल बना। अभी सेल का कॉल जो बना है इसमें भी हम लोग वही चीज़ रिपीट करेंगे, जो क्या ये कॉल सही है। देखिए, स्टार देखना है, नीचे का रिबन देखना है, ब्रिक्स देखना है। तो तीनों का तीनों कंडीशन मेरा फेवर में है, और यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ देखेंगे जो ब्लू कैंडल का लो का नीचे कोई कैंडल आ रहा है कि नहीं, क्लोजिंग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सारा कंडीशन मैच है, तो इस कॉल में हम लोग ट्रेड करेंगे। कितना बजे का? 10:20 का ये कॉल है। अब यहाँ पर एंट्री लेने का बाद हम लोग क्या करते हैं, टारगेट का तरफ देखते हैं। एक्चुअली लेवल क्या है, देखिए यहाँ पर नीचे टारगेट 1 टारगेट 2 आपको दिख रहा है, बट ये जो रेड कलर का डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ना, दिस इज द सपोर्ट। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको देखना है मार्केट में कितना ज्यादा रेंज है, तो सपोर्ट एक रेंज बताता है। तो आपको देखिए एंट्री लेने का टाइम ही एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, जो सपोर्ट लाइन काफी करीब है। अगर ये सपोर्ट लाइन टारगेट 1 का नीचे होता मिनिमम, तो ये आपके लिए बेटर होता। तो एंट्री तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है सपोर्ट को तोड़ के भी मार्केट गिर जाता है। तो हम लोग बोलेंगे जो कंडीशन अगर मैच हो गया है एंट्री ले लीजिए, भले आपका सपोर्ट करीब है। ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट है, अगर ये और थोड़ा नीचे होता तो कॉन्फिडेंस मेरा ज़्यादा होता,
बट मैं बोलता हूँ जो कंडीशन मैच हुआ तो ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार सपोर्ट को तोड़ के भी मार्केट गिरता है। तो चलिए अब एंट्री ले लिया, अब हम लोग का एग्जिट कहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे का इस इंडिकेटर का तरफ देखिए, देखिए यहाँ पर ब्रिक्स का कलर ब्लू एंड ग्रीन हो रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, अगर कभी आप प्रॉफिट नहीं भी कमा पा रहे हैं तो आपको इतना देखना है जो आप कितना कम लॉस पे मार्केट को निकाल रहे हैं। देखिए दो कैंडल ब्लू हुआ, धीरे धीरे ये ग्रीन होना शुरू कर दिया है और ये अभी भी ब्रिक्स का ऊपर नहीं गया। जैसे इस कैंडल का आसपास मुझे दिखाई दे रहा है ये ब्रिक्स को तोड़ने जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर भी पोजिशन को छोड़ता हूँ तो भी देखिए आप मिनिमम एक लॉस खा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा जो लॉस नहीं खाए हैं, बट आपका लॉस का रेशियो बहुत कम है। सेलिंग में एंट्री लेने के बाद हर एक ब्रिक्स का कलर रेड होगा, जहाँ से ये ब्लू होना शुरू कर देगा तो समझ जाना है जो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। अल्टीमेट देखिए देखते देखते मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ पर हम लोग एक मिनिमम लॉस में खाए। सोचिए इस वैल्यू में मार्केट में वैल्यू दिखाई दे रहा था 521, आप एंट्री कहाँ पर ले रहे थे 99 पे, मतलब 20 से 30 पॉइंट का लॉस है, काफ़ी नॉमिनल लॉस। तो इसी चीज़ को मैं फोकस करना चाहता हूँ जो अगर आप लॉस खा भी रहे तो कितना कम कर रहे हैं। फाइनली देखिए बाय का कॉल दे दिया, बाय का कॉल में वही सेम कंडीशन देखना है, ब्रिक्स आपका फेवर में जिया या नहीं, तो ब्रिक्स आपका फेवर में है। नीचे का रिबन ग्रीन है, देखिए देखते देखते वो रेड हो गया। एक्चुअली जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक वेट करना है। देखिए अभी भी नीचे का रिबन रेड ही है। अब जैसे यहाँ पर नीचे का रिबन ग्रीन हुआ है बट अभी भी देखिए यहाँ पर कोई स्टार नहीं बना है। तो हर एक इंडिकेटर का कुछ ना कुछ रूल है। सुबह से लेकर अभी तक 11:40 का टाइमिंग हो रहा है, मैं एक सेल का कॉल में एंट्री लिया हूँ जो मुझे 30 पॉइंट का लॉस दिया है, उसका बाद मैं दोबारा वेट कर रहा हूँ। अभी ये जो बाय का कॉल है ये आप एंट्री तभी ले पाएंगे जब यहाँ पर स्टार देगा। अब मेरा बहुत सारा वीडियो में मैं ये भी बताया हूँ, देखिए स्टार इतना लेट में आया, कॉल कहाँ पर मिला है 10:45 पे, स्टार कहाँ पर मिल रहा है 11:40 पे, 1 घंटा बाद। तो क्या 1 घंटा बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं? हाँ 1 घंटा बाद भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा नहीं जो ये उठेगा नहीं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इतना बाद में जब स्टार बन रहा है, ब्रिक्स जब ऑलरेडी एक रैली निकाल दे रहा है, तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। इसका मतलब ये कॉल उतना भी स्ट्रांग नहीं है, बट आप जरूर अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि कौन सा कॉल अचीव होगा कौन सा कॉल अचीव नहीं होगा ये आपको पता नहीं है। तो चलिए आप एंट्री ले लिए, एंट्री लेने के बाद मेन फोकस रहेगा ब्रिक्स का तरफ। ब्रिक्स का कलर जब तक ग्रीन है आपका पोजीशन सिक्योर है, तब तक कोई टेंशन नहीं है। ब्रिक्स का कलर जैसे ग्रीन में से ब्लू या रेड में होना शुरू करेगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट मिल जाएगा। देखिए इस चीज़ का इम्पोर्टेंट है, अगर प्रॉफिट नहीं भी बना पा रहा है मार्केट में तो सॉफ्टवेयर आपका कितना कम वैल्यू में पोजीशन को एग्जिट करने के लिए बोल रहा है, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। जैसे इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है ये अब ब्रिक्स को तोड़ने वाला है, तो जो बंदा इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू में 569 या 570 पकड़ लेता हूँ एंट्री ले रहा है, इस टाइम मार्केट का वैल्यू क्या है 580, मतलब देखिए प्लस में आप लगभग आपको एक अंदाजा मिल रहा है 80-82 का आसपास यहाँ से आपको निकल जाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका ब्रोकरेज ही जाएगा, लॉस आप ज़्यादा नहीं खा रहे क्योंकि 10 पॉइंट आप ऊपर में ही है। तो इस चीज़ को समझना है। अल्टीमेट देखिए मार्केट गिरा दिया और सेलिंग का कॉल दे दिया, दिस द सेल कॉल। तो देखिए एकदम पहले से मैं और एक बार बता देता हूँ, पहला बाय का कॉल ट्रेड नहीं लिया, सेकंड सेल का कॉल में 30 पॉइंट लॉस हुआ, थर्ड बाय का कॉल में नो प्रॉफिट नो लॉस, फोर्थ सेल का कॉल चल रहा है। अभी सेल का कॉल में वही सेम कंडीशन, स्टार देख लिया, नीचे का रिबन देख लिया, ब्रिक्स देख लिया। ट्रेड कहाँ पर करना है? ट्रेड करना है ब्लू कैंडल का जो लो है उसका नीचे कोई कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना ब्लैक टाइप का, दिस इज ए बुलिश कैंडल। हर एक कैंडल का अंदर जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ऑल इज बुलिश, और जो फिलअप है वो बेयरिश, मतलब इस कैंडल का जो क्लोजिंग है ऊपर गया है, ब्लू कैंडल का लो का नीचे नहीं हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता। मुझे वेट करना है कब कोई कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू ब्लू कैंडल का लो का नीचे आए। तो देखिए कब तक मार्केट यहाँ पर साइडवेज रखता है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए देखते देखते मार्केट रिवर्स हो गया, नीचे का रिबन ग्रीन हो गया, ब्रिक्स का कलर ग्रीन हो गया। अगर अब यहाँ पर सेल करते हैं यहाँ पर भी देखिए 50-60 पॉइंट का लॉस खा रहे हैं। तो ये जो लॉस को हम लोग रोक रहे हैं इसका ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि लॉस होगा नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ लॉस होगा नहीं, ऐसा स्ट्रैटेजी है ही नहीं, पर लॉस को कितना रिड्यूस कर पाएंगे। अभी देखिए 2:15 का जो कैंडल है, ध्यान से समझिए, इस कैंडल ने ब्लू कैंडल का लो का नीचे क्लोजिंग दिया है। तो ये सेल का कॉल का कोई एंट्री अगर बनता है, कोई लेना चाहता है, तो ये 2:15 पे ले सकता है, वैल्यू 496। और आपको ये जो रेड डॉटेड लाइन है जो दिख रहा है ये क्या है? सपोर्ट है, मतलब इतना दूर तक लाएगा, तो एक छोटा सा रेंज आपको दिख रहा है। तो
अल्टीमेट हम लोग देखेंगे जो अल्टीमेट क्या होता है, देखिए वो रेड डॉटेड लाइन को टच किया, फाइनली वो रेड डॉटेड लाइन को टच किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, अभी मैं लाइव में आ गया हूँ, ऊपर में अपडेट हो रहा है। तो ये आज का फुल डे का परफॉर्मेंस है, आप देख लीजिए आप कितना लॉस खाए हैं अगर आप खुद का स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, और हम लोग का इस सॉफ्टवेयर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कितना कम लॉस खाने वाला है। तो इस चीज को समझना है, प्रॉफिट तो ट्रेंडी मार्केट में कोई भी दे सकता है, साइडवेज मार्केट में, खराब मार्केट में कैसे आप लॉस को रोक के इसके ऊपर फोकस कीजिए। तो होपफुली मैं इस वीडियो में जो चीज समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया है। मेन चीज है लॉस को रोकना है, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप महीने में 50,000 लॉस खा रहे हैं और मेरा सॉफ्टवेयर से वो 50,000 का लॉस 20,000 में आ गया है, तो ये 30,000 आपका कैपिटल में ऐड होगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, एंड मन में कोई भी डाउट है क्वेरीज ना दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू।